नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने है कि कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी बहुआ दुबे और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था, इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। इसके अलावा इटावा में विकास दुबे के करीबी बहुआ दुबे को भी मार गिराया गया है। पुलिस के मुताबिक बहुआ दुबे ने देर रात महेवा के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ तीन और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने के काचूरा रोड पर घेर लिया। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद हैं। इसी दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक 30% तक सिलेबस घटाने की घोषणा की है। इसके बाद गुजरात सरकार ने गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती करें, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने किया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया है कि विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद तय किया जाएगा कि सिलेबस में क्या रहेगा और क्या नहीं। पूरी दुनिया में संक्रमण बेलगाम हो गया है। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 7,67,296 पर पहुंच गई है। वहीं महामारी की चपेट में आकर अब तक 21,129 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत में 4,76,378 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा भारत में पिछले 24 घंटे में 24,899 नए मामले सामने आए और 487 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक प्रशांत बेहरा के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में घातक वायरस की चपेट में आने वाले वह दूसरे विधायक हैं। देश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में पाबंदियों में लगातार ढील दिए जाने के बीच पिछले 3.5 महीने के दौरान जिले में इस महामारी के कुल 4,998 मरीज मिले हैं, जबकि इनकी मृत्यु दर लंबे समय से राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज्यादा बनी हुई है। राजस्थान में वायरस संक्रमण से 6 और मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 478 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक के सबसे अधिक 173 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 21,570 पर पहुंच गई है, जिसमें 4,516 मरीजों का इलाज जारी है। ओडिशा में महामारी से 6 और लोगों की मौत के बाद राज्य में घातक वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 48 हो गई है। वहीं 527 नए मामले सामने आने के बाद ओडिशा में संक्रमण के मामले बढ़कर 10,624 हो गए हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित एमआईटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन मॉडल के मुताबिक अगर महामारी का टीका या दवा विकसित नहीं हुआ तो 2021 की सर्दियों के अंत तक भारत में रोजाना संक्रमण के 2,87,000 नए मामले सामने आ सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान महामारी से 18 और लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के 1,188 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में महामारी के 2,980 नए मामले सामने आने के बाद पाकिस्तान में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,38,000 के करीब हो गए हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। दिल्ली के मुंडगा स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई। देर रात आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के 35 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। अभी तक आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारण का अभी भी पता नहीं चल पाया है। यह एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और मेडिकल उपकरण रखे हुए थे। चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए भारत ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप एंड पार्ट्स और कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा। गौरतलब है कि देश में चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह के चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने शिमला, सोलन तथा नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। हिमाचल की बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जुलाई और 12 जुलाई को उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में भी 9 से 11 जुलाई तक भारी बारिश आफत बन सकती है।
इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के आयोजन के आसार बढ़ गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की माने तो आईपीएल होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है, वहीं अक्टूबर नवम्बर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा है कि अनियोजित लॉकडाउन में भूख से मरता परिवार, इन बच्चियों ने जिंदा रहने की ये भयावह कीमत चुकाई है। क्या ये हमारे सपनों का भारत है? गौरतलब है कि चित्रकूट में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का बकायदा नेटवर्क चल रहा था, लेकिन प्रशासन आग पर पट्टी बांधकर बैठा था। मध्य प्रदेश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी के कुल 16,036 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 629 लोगों की जान जा चुकी है। बॉर्डर से सटे मुरैना में बुधवार को भी महामारी के 115 नए मामले सामने आने के बाद से यह जिला मध्य प्रदेश का नया हॉटस्पॉट बन गया है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता बसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकियों के हमले में बसीम के भाई और पिता को भी गोली लगी थी, बाद में दोनों की भी मौत हो गई थी। बसीम बारी की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने वसीम के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। महाराष्ट्र में 278 पुलिस कर्मियों में वायरस की पुष्टि होने से पुलिस बल में संक्रमित कर्मियों की संख्या अब 5,713 पर पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक 71 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी का कहर लगातार जारी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।